स्वागत है नुक्कड़ सभा में। हम बात कर रहे थे यहाँ पे वाराणसी के विकास की, बहुत से विकास की यहाँ पे बातें की गई यहाँ पे, पर किस तरीके का विकास हुआ अभी तक 10 महीने की सरकार में, बात करते हैं यहाँ पे। चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी के प्रमुख जगह सिटी में हम एकदम हार्ड जगह मानी जाती है, उस जगह में मैं मौजूद हूँ इस समय, बात करता हूँ कुछ और भी लोगों से। ये है मोदी जी यहाँ पर आए हैं गंगा सफाई के लिए। ये काशी है, यहाँ पर लिखा गया है मुक्ति जन्म ही ज्ञान ज्ञान खानी अगहानी कर, जह बस शंभु भवान सो काशी से ही कसन, जरत सकल सुरबिंद्र विषम गरल जही पान किय, कौन भजसी मति मंद को कृपाल शंकर सरीस। ये यहाँ पे जो है मोदी जी आए गंगा जी सफाई के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्या कार्य नहीं हो रहा है। मंदिरों में और गलियों में हर जगह गंदगी चारों तरफ फैला हुआ है, समझ में नहीं आया हम लोग का ना। और फिर समस्या है रोड का, जाम हमेशा मिलता रहता है, गड्ढा उड्ढा है ना। गुजरात मॉडल की बात की जा रही है, गुजरात विकास होगा, वाराणसी डेवलप करेगा काफी। हाँ तो गुजरात महीनों में अभी तक क्या देखना, गुजरात मॉडल तो हम देखे नहीं है, अब बनारस का मॉडल क्या बनाएंगे, अब इस चीज को हम लोग को देखना ना है। गलियों का शहर है, गलियों की क्या समस्या है? गलियों का समस्या है वही गड्ढा है, नाला नाली है, गंदगी फैला हुआ रहता है। बिजली की बात की जाए तो किस तरीके की, चूंकि यहाँ पे संसदीय बिजली की समस्या बहुत खराब है, जाता है तो 8-8 घंटा 9-9 घंटा बिजली लाइन चला जाता है, उम्मीद नहीं है कि आने के लिए। पानी के भी दिक्कत हो जाता है, सुबह आदमी नहाता है तो समय से पहले ही लाइन कट जाती है। बुनकरों की अगर बात किया तो किस तरीके का यहाँ पे विकास होना था बुनकरों के लिए, उत्थान? बुनकर जो है कि अभी तकला हल ही नहीं निकला हुआ है समस्या, तो बुनकरों की जो समस्याएं अभी तक उसी की उसी तरह बरकरार है, केवल एक आश्वासन सा है ये कहना कुछ बुनकरों का। और भी लोगों से बात करते हैं, मौजूद हमारे साथ। गलियों की तो समस्या जैसे आपके सामने देख रहे हैं, कहीं पत्थर उखड़े पड़े हैं, सीवर ओवरफ्लो मिल रहे हैं आपको, सर तरह तरह की समस्या है। ये तो आपकी बीजेपी को आपने वोटिंग कर तो दिया है, मगर कोई नहीं लग रहा आने वाले समय में आपको बीजेपी को फिर से वोट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री से काफ़ी उम्मीदें थी, चूँकि बहुत प्रभावशाली हैं पीएम नरेंद्र मोदी, उनका संसदीय क्षेत्र है, गुजरात मॉडल की बात की गई जी जी, क्या समझ में अभी तक आया? तो अभी तक तो आपके सामने है कि यहाँ कहाँ से गुजरात है, ये तो पुराना बनारस अपना बनारस ही रहेगा, जो भी ये गुजरात बनने वाला नहीं है। आप देख लीजिए 10 साल आपको लग जाए चाहे 20 साल लग जाए, इसके आगे कोई क्या बदलाव होगा सब आपके सामने रहेगा। कैसा विकास चाहिए था, क्या आप लोगों ने सोचा था? विकास तो यही हो जाए रोड आपकी जो है ट्रैफिक वगैरह उनके लिए रोड थोड़ी चौड़ी हो जाए, गलियां में जितने भी समस्याएं हैं, पानी है, बिजली वगैरह है, तार आपके गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, खंभे पुराने हैं, ये सब चीज़ों को बदल के नए उपकरण आप डालें। विकास के लिए काफ़ी सारे बात हो रही है, आज से नहीं आने वाले हमारे पिछले 20 सालों से बात चल रही है, और देखिए क्या हो जाता है आपके सामने है। मगर अभी तो हमें नहीं लग रहा है कि मेट्रो इतना जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे बात है, गंगा सुंदरीकरण आपकी किए जा रही हैं और रोडों पे आपके ओवरब्रिज दे रहे हैं, मेट्रो दे रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, मगर देखिए क्या हो रहा है। अभी तक तो कुछ हमें नहीं लग रहा है कि आपका कुछ स्टार्टिंग होने वाला है। क्योंकि आप लोग व्यवसायी से व्यापारी हैं, आप लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे प्रमुख जगह है ये, तो कैसी क्या समस्याएँ रही हैं, क्या अभी तक विकास हुआ? अरे कुछ विकास नहीं हुआ, क्या विकास होगा? इतने दिन में बोले कि आप लोग वोट दीजिए हमको, आप लोग को गरीबी हटाएंगे, ये मिटाएंगे, हर गरीब देखे तो हर जगह जाके देखे, चाहे बिनिया हुआ चाहे किसी भी गरीब खाने में जाएंगे आपको मिलेगा, कोई ना कोई बच्चा देखेंगे रोता हुआ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ सा रहा है, उसके बावजूद फिर कैसी क्या उम्मीदें हैं यहाँ पे? जब चुनाव पड़ता है तो सब लोग कहता है ये कर दो वो कर दो सब, अब आदमी वोट देने वाले उसका आदमी कहता है क्या अब यहाँ पे ये कर देंगे वहाँ फिलहाल वो कर देंगे, जो उठ के जाता है भाई गरीब गया राशन लेने जाए तो कंट्रोल में कहेंगे 2 दिन बाद आओ बेटा वहीं आया नहीं है, जो कि पहले से आकर रखा रहेगा और उसे काट के खत्म खा जाएंगे। क्या शहरों में भी सबसे ज्यादा समस्या है इस जगह पे जहाँ ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं वाराणसी में? जी बिल्कुल। तो इस तरह की समस्या, तो इसकी कोई शिकायत आप लोग दर्ज करें किसी से? हम लोग कितने दर्ज करें, हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कल और परसों, मतलब कितना कंप्लेन करें, कंप्लेन होता है, नियम होता है, अब बार बार जाने में सब वो कर दे रहा भगा दे रहा है, आदमी कहाँ जाएगा? वाराणसी के विकास के लिए लोगों ने अपनी टट्टी लगा बैठी है इस समय, और कुछ और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। विकास जिसे वो जो वादे किए थे वो वादे पर अमल रहे, जो वादे किए थे जो वादे पर अमल रहे, उनका वादा हमको दिखाई नहीं दे रहा 10 महीने में, विदेश दौरे पे ज्यादा है। वाराणसी में माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था ये कहे थे पीएम ने, गंगा ने बुलाया था गंगा के लिए घाट के लिए सफाई करें, सफाई आ भी रहे हैं तो 5 लोग जा रहे हैं झाड़ू लगा के अपना चल रहे, कुछ पास काम ही नहीं हो रहा है। वाराणसी में अभी तक क्या और काम होने वाली थे, बहुत सी उम्मीदें आप लोगों ने लगाई थी यहाँ पे? उम्मीदें तो वो लगाए थे ना, वो अपना आश्वासन दिए थे, तो आश्वासन को अमल करना चाहिए उनको ना, खाली बात करके चले जा रहे, कोई काम थोड़ा ना हो रहा है।
वाराणसी सिटी की अगर बात किया तो किस तरीके की आप दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है उस ट्रैफिक, जाम से कैसे निजात मिल सकती है? जाम से रोड चौड़ा किया जाए जिससे जो नियम कानून से अपना अमल करे उस पर सब। अतिक्रमण है यहाँ? अतिक्रमण है तो काफी विरोध भी होते हैं ऐसी जगह पे। तो विरोध होता है तो विरोध जहाँ करने वाले लोग वहाँ विरोध करेंगे तो कैसे निजात मिलेगी? अरे वो सरकार अपना नियम निकालेगी ना। वाराणसी के विकास की अगर बात की जाए तो बहुत से लोगों ने उम्मीदें लगाई थी यहाँ पे, चूंकि ये पूर्वांचल की मंडी मानी जाती है और काफ़ी घनत्व वाला जगह है, यहाँ पे बहुत सी आबादी भी है और बहुत दबाव रहता है इस शहर में। हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे व्यवसायी वर्ग के लोग मौजूद हमारे साथ। जी आपका नाम? जी कृष्ण कुमार नाम है मेरा सर। जी ये जगह काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह है, बहुत सी उम्मीद आप लोगों ने लगाई, किस तरह के विकास चाहिए था? विकास सर यहाँ पे जो है कि बहुत भीड़ भाड़ रहती है, गाड़ी घोड़ा आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या रहती है, यही परेशानी सबसे अधिक है यहाँ पर। यहाँ पर होना चाहिए कि आवागमन में आने जाने में असुविधा जो रही उसको ऐसा व्यवस्था किया जाए कि वो सुविधा हो जाए, आने जाने में कोई दिक्कत न हो। अगर यहाँ पॉलिटिकल अगर बात की जाए तो यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है तो बहुत सी उम्मीदें लगाई थी, किस तरीके की उम्मीदें आप लोगों ने लगाई? अब उम्मीद तो लगाई आगे जैसा नरेंद्र मोदी का वो इच्छा हो उसको करें जो है, उम्मीद तो बहुत है कि वो यहाँ पे सफाई अभियान और सब ट्रैफिक ये सब दिक्कतें समस्या समाधान हो। गुजरात मॉडल जैसी बात हुई थी यहाँ पे, होनी तो चाहिए, आसरा तो यही है, अब आगे उनकी इच्छा पर अनुसार। 10 महीने से ऊपर करके 10 महीने हो चुके हैं गवर्नमेंट इनके साथ, सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या निष्कर्ष निकल के अभी तक आया वाराणसी के लिए? अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आ रहे थे वैसे है, अब आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जी हम और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इस समय व्यवसायी वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, चूंकि ये जो जगह है ये काफ़ी व्यापारियों का एकदम गढ़ माना जाता है इस जगह पे, हम और भी लोगों से बात करते हैं। जी आप लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। तो वाराणसी किस तरीके का विकास होना चाहते हैं और उसके बाद जो पहला तो बनारस में इतना ट्रैफिक जाम रहता है, इतना गंदगी रहता है, वो तो पहली बात दूर होना चाहिए और ट्रैफिक की व्यवस्था बने करके इसको सुधार लाना चाहिए जिससे आम जनता को भी राहत मिल सके। किसी को कहीं जाना हो 10 मिनट तो 1 घंटा पहुंचता है, यहाँ से अगर आप कैंट स्टेशन जाएंगे 10 मिनट मान के तो आधी घंटा लग सकता है। बहुत सी उम्मीद आप लोगों ने लगाई होंगी? जी 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 उम्मीद तो भाई यहाँ के प्रधानमंत्री जीते हुए हैं तो उम्मीद तो रहेगी ही। अब चूंकि बनारस क्षेत्र जो है पॉपुलर हो गया ऑल इंडिया में, विदेशों में भी, तो यहाँ उस हिसाब से बनना चाहिए जिस हिसाब से लोग उम्मीद किए हुए हैं। धार्मिक नगरी है ये, काफी लोग बाहर से आते हैं। जी 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 अगर बात किया तो पर्यटक अगर बातें की जाए, दवा की मंडी है पूर्वांचल की, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं तो पूर्वांचल की मंडी दवा की, पूर्वांचल की मंडी तो ये कई आइटम में कैच करता है। अब चूंकि ये धार्मिक नगरी है, वहाँ पर धार्मिक नगरी में जो विदेश से लोग आते हैं उनको विशेष सुविधा विशेष पैकेज देना चाहिए कि उनको आवागमन में दिक्कत न हो, ये महसूस न करें कि हम इंडिया में बनारस जाके क्वेटा जैसा शहर नहीं पाए। वो विकास 8 महीना हो गया लेकिन विकास वो हुआ नहीं जो होना चाहिए। अभी उम्मीद है आप लोगों की बरकरार? उम्मीद तो 100% है भाई, जब यहाँ के जब मोदी जी प्रधानमंत्री तो उम्मीद तो लगाए रहना चाहिए। काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे युवा वर्ग मौजूद है हमारे साथ। आप लोग बहुत सी उम्मीदें लगाए होंगे इसमें, किस तरीके का विकास चाहते थे वाराणसी में? मैं विकास ये चाहता था कि पहले ट्रैफिक से निजात मिले और भीड़ भाड़ इलाकों में थोड़ा जो पुलिस कर्मी है वो थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ध्यान कुछ भी नहीं दे, पैसे के चलते हुए वो ट्रैफिक में पुलिस और वो क्या नाम है गाड़ियाँ जा देते हैं। तो इसके क्या निदान होना चाहिए, इसके लिए आप लोगों ने कभी कुछ सोचा इसके विषय में? इसके लिए व्यापारियों ने आज तक क्या पहल की इसके लिए? व्यापारी हम लोग बोलते हैं पर कोई ध्यान नहीं देता है, पुलिस कर्मी आते हैं बस वहीं खड़े रहते हैं, बस बैठे रहते हैं, ड्यूटी उनका अपना ड्यूटी नहीं निभाते, बस आप ड्यूटी दे देंगे आप कुर्सी लेकर किनारे किनारे बैठ जाएंगे बस, उनके पैसे से मतलब है, पैसे मिल जाए जाम लगे जो लगे वो अपना काम कुछ भी नहीं करते, केवल पैसे के लिए। लोगों से और भी बातें करते हैं। वित्त मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक भी हमारे विदेश दौरे पर हैं, तो बताइए हम कैसे माने कि हमारा बनारस और हमारा देश खुशहाल या सुरक्षित है? जी हम और भी लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर काफ़ी उम्मीदें रही हैं यहाँ पे विकास की अगर बातें की जाए तो हम बात करते हैं। जी एक बार फिर हम आपसे बात करना चाहेंगे वाराणसी में जो अगर यहाँ पे जो डेवलप की बात, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा सुधार ये होना चाहिए, हमारे लाइन प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे यहाँ जनता उब चुकी है, आज राशन कार्ड रिन्यूअल कराना हो लंबी लाइन, गैस कनेक्शन रिन्यूअल कराना हो लंबी लाइन, आधार कार्ड बनवाना हो लंबी लाइन, बिजली बिल जमा करना हो लंबी लाइन, पानी टैक्स जमा करना हो लंबी लाइन। लंबी लाइन ख़त्म कब होगी? क्या ये गुजरात मॉडल है? आज गुजरात मॉडल की बात की जाती है, गुजरात मॉडल की बात करता कौन है जो शायद गुजरात गया ही नहीं आज तक, वो गुजरात मॉडल की बात करता है।
ऐसे ही भ्रम पैदा किया गया। बनारस के लोगों ने भी बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि गुजरात बनेगा, गुजरात बनेगा, और उन लोगों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर परिचर्चाओं में जो आज तक गुजरात का दर्शन भी नहीं किए। हमारा बनारस जो है आध्यात्मिक शहर है, बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है, कणकण में बाबा भोले बसते हैं। यहाँ पर कबीर भी मिलेंगे आपको, यहाँ पर आपको तुलसीदास भी मिलेंगे, यहाँ बाबा कीनाराम भी मिलेंगे। यहाँ पर धार्मिक शहर है, लोग दर्शन करके मोक्ष नगरी है ये। वाराणसी की जनता को इंतजार है विकास का, वो विकास जो गुजरात मॉडल से ताल्लुक रखता हो, उससे भी ज़्यादा कहीं बेहतर बन सके वाराणसी। जनता की आस और उम्मीदों पे ये कब खरा उतरेगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। शैलेंद्र सिंह, सिटी न्यूज़, वाराणसी।